बेबी क्या कर रही हो? मैं ऐसी चलूंगी, मैं बेबी मुझे छोड़ के गया था। तो मेरी पीठ पे चढ़ जाओगी क्या बेताल की तरह? हाँ, हम दोनों को कोई अलग नहीं कर सकता, मैं तो पकड़ के रखूंगा मैं बेबी। अरे लेकिन अगर इंसान खुद अलग होना चाहता हो तो तब तो होने दो। नहीं, इस पकड़ से, ये जो तुमने जूडो की पकड़ बनाई है ना, ब्लैक बेल्ट, मुझे पता है तुम ब्लैक बेल्ट थी जूडो में, तो मेरे ऊपर ही पकड़ बना दोगी? अच्छा आ जाओ, पकड़ लो, आ जाओ। ओके ओके कम। Hello everybody, welcome back to my channel. It's time for my nails. Time आ गया है मेरे nails change कराने का। बहुत सब लोगों ने suggestion दिया था कि अपने nails change कराओ, और वैसे भी time आ गया, refill का time आ चुका है। डेढ़ महीना हो गया है, अगर आपको याद हो तो आई थिंक मैंने नवरात्रि के टाइम पे अपने नेल्स कराए थे, और अब मैं जा रही हूँ दोबारा से अपने नेल्स कराने के लिए। तो नेल्स का तो मेरा बहुत दिल नहीं था मैं व्लॉग बनाने का, लेकिन एक रीज़न बहुत बड़ा है जिसके लिए व्लॉग बन रहा है, बताऊँ? खुश हो जाओगे। ये रहा मेरा रीज़न, आ गया वापस दिल्ली। क्या हुआ था मुझे छोड़ के? आ तो मैं बहुत पहले ही गया था, लेकिन आने के बाद साथ में, अभी ये पहला व्लॉग है। मेरे बाल कैसे लग रहे हैं बेबी? बहुत अच्छे लग रहे हैं अब थोड़े, तो तुम्हारे कर्ल्स जो चले गए थे ना वो वापस आ रहे हैं धीरे धीरे। हाँ, प्रोडक्ट यूज कर रही हूँ ना मैं, लोगों को बता दूंगी यार, फिर लोग बोलते हैं कि कौन सा यूज कर रहे हो। मेरे कर्ली बाल है बेसिकली, लेकिन वो बड़े उबड़ खाबड़ हो जाते हैं जब मैं ज्यादा उसको ठीक नहीं रखती हूँ। तो मैंने थोड़े से हेयर कट कराया भी, अगर यू कैन सी, मैंने बहुत ज्यादा, क्योंकि अविनाश को बहुत गुस्सा आता है अगर मैं बाल ज्यादा कटवा लूँ। मैंने एक बार बहुत ही छोटे छोटे करवा लिए थे, इसने मुझे काफी देर तक बात नहीं करी थी, तभी मैंने देखो ये इतने मैंने बाल कटवाए थे। मैंने थोड़े से बाल कटवाए ताकि वो जो डेड हेयर्स थे, डेड एंड्स थे, वो निकल जाए। और उसका तो नहीं बनाया व्लॉग, उसका व्लॉग बनाने की जरूरत, हर चीज़ का व्लॉग बनाऊँ क्या? तो मैं अभी वापस आ गया है, तो मैं अभी नेल्स अपने कराऊंगी, और ये जा रहा है अपनी एक मीटिंग के लिए, तो उसके बाद दोबारा हम लोग कॉफी पे मिलेंगे, कॉफी डेट पे। हाँ, मतलब कोशिश करेंगे मिलने की। हाँ, तो मिलते हैं गाड़ी के अंदर। तैयार हो? तैयार हो हमारे साथ चलने के लिए? तैयार हो? हो ना, आ जाओ। आपको रीजन बताती हूँ कि अविनाश दिल्ली गया क्यों हुआ था। अगर आपने मेरा पुराना व्लॉग देखा हो कोलकाता का, जब मैं परफॉर्मेंस के लिए गई थी और अविनाश के घर गई थी, अविनाश के दादा दादी से मिलने, दादा की तबीयत बहुत खराब थी, तो अविनाश के दादाजी की डेथ हो गई है, और उसके बाद से मैंने दादी को प्रॉमिस किया था कि मैं आपको बहुत जल्दी मुंबई लेकर आऊंगी, या फिर कोई तो हम में से लेकर आएगा। तो हम लोगों ने वो चीज पूरी करी है, और अविनाश की दादी बॉम्बे आ गई है हमारे पास, मुंबई में अविनाश लेके आया है। दिल्ली में थी अभी, दिल्ली अविनाश के घर पे रुकी वो, और अब वो हमारे पास आ गए हैं, एंड वी आर वेरी वेरी हैप्पी। गर्मी लगी, वी आर वेरी वेरी हैप्पी कि वो हमारे पास आ गई हैं। बहुत मस्त है, जिंदा दिल है एकदम, और खूब बातें बातें करती हैं, और मेरा पूरा मन लगा हुआ है। तो अविनाश अकेला पड़ चुका है जब से आया है, क्योंकि दादी और मैं दोनों लगे हुए हैं। कुछ बोलना है अविनाश इस बारे में? संभावना की सास आई हुई है, और सास की सास और बहू की इतनी बन जाएगी मुझे पता नहीं था, तो मैं थोड़ा सा साइड लाइन फील कर रहा हूँ, बट ठीक है, मैं अपनी जगह बनाने की कोशिश करूंगा, इसमें फूट डालूंगा, कुछ बीच में चुगलियां करूंगा, एक दूसरे को भड़काऊंगा इनके खिलाफ। तुम बदकुचन करोगे ना हमारे बीच में? क्या करूंगा? बदकुचन। ये क्या होता है? वो होता है ना गंदी गंदी, वो औरतें बातें करती है ना एक दूसरे की, जाके बुराई करती है, फिर वही वाली बुराई जो दूसरी जिसकी बुराई होती है, फिर उन्हीं के साथ बैठ के उनकी भी हो रही होती है, ये होती है बदकुचन। मतलब ये तुमने बहुत किया है इसलिए तुम्हें पता है। मैंने नहीं किया, मैं नहीं करती बदकुचन, मेरी होती है बदकुचन। ये बदकुचन की डिस्कवरी तुमने की है? नहीं, मैंने नहीं की, लेकिन मैं और मेरी सास जब दोनों मिल जाए, मतलब अविनाश की मम्मी, तो सबसे ज्यादा हम बदकुचन करते हैं सबकी। एक्साइटेड, मेरा बेबी वापस आ गया है, और बिल्कुल मन नहीं लग रहा था, मेरी तबीयत भी बहुत खराब हो रही थी इसके बिना, लेकिन मैंने कहा दादी को लेके आना जरूरी है, मैं जाती वरना ये जाता, क्योंकि अभी हम लोग नेपाल जाने वाले हैं, और फिर हमें यू नो ट्रेवल्स होंगे बैक टू बैक। दादी का ध्यान रखने के लिए लोग हैं यहाँ पे, उसकी आप चिंता मत कीजिएगा, सडनली लोग बहुत हो जाते हैं कि अरे दादी कैसे अकेली रहेंगी, तीन मेट्स घर पे, और तीन ही कुत्ते भी हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, दादी का दिल लगा रहेगा इवन इफ आई एम नॉट देयर, लेकिन हम लोग फटाफट आ भी जाएंगे। तो अब इसके बाद जो नेक्स्ट व्लॉग अब सीधा आएगा, तो मोस्टली आई थिंक इट्स गुड बी आर नेपाल का व्लॉग ना अविनाश? दोनों जा रहे हैं। अभी मिलती हूँ आपको अपने नेल्स के वहाँ पे पार्लर में मिलती हूँ, और आई डोंट नो बिंदु मिलेगा कि नहीं मिलेगा, आई हैव नो आइडिया, वहीं जा रही हूँ, और उसके बाद मैं अविनाश को मिलूंगी। अविनाश बीच में अपनी मीटिंग खत्म कर लेगा, फिर हम डेट करेंगे, डेट पे जाएंगे। बेबी कुछ तो बोलो। एक तो संभावना इतना बोलती है ना,
कैमरा ऑफ करने के बाद मुझे कहती बेबी तुमने तो कुछ बोला ही नहीं, आपको बीच में कहीं सांस की आवाज आई थी जहाँ सांस रुकी और दूसरा इंसान बोल सके? फिर कहती बेबी तुम तो व्लॉग में कुछ बोलते नहीं हो, बेबी कैसे बोलेगा जब जगह ही नहीं है तो। लेकिन मैं ज्यादा एक्साइटेड हो जाती हूँ ना। एक्साइटमेंट का कारण भी तो होना चाहिए ना कुछ। मेरी लाइफ में एक्साइटमेंट का कोई कारण नहीं है, आई एम अ हैप्पी पर्सन। मेरे में डिप्रेशन हो रहा है थोड़ा, दवाई है क्या डिप्रेशन की? तो अविनाश जा रहा है और मैं आगे जा रही हूँ। तो मैं इस व्लॉग में आपसे दोबारा मिलने की कोशिश करूंगा, वादा नहीं करता हूँ। क्यों? क्योंकि वादा तो टूट जाता है। ये फिल्मी डायलॉग मत बोलो, आ जाओ वापस। मैं तुम आ रहे हो वहाँ पे, आ रहे हो मेरे को ले लो। बेबी मैं कंफर्म नहीं कर सकता, मैं ना काम है मुझे कुछ तो। बेबी प्लीज प्लीज, मैं फोन करता हूँ खत्म करके। प्लीज आ रहे हो? अरे मैं खत्म करके फोन करता हूँ ना। फोन नहीं करते हूँ, आता हूँ ये बोलो। मैं कंफर्म नहीं कह सकता, मैं बेबी कोशिश करूंगा। बाय, पकड़ क्या लो जब मैं जा रहा हूँ तो। बाय बोल दिया। नहीं तुम ये लेके जाओ, मेरे को नहीं चाहिए। मैं नहीं करूँ। ब्लॉगिंग नहीं करोगी? नहीं। अरे ये कैमरा वो जनता है जो तुम्हें प्यार करती है, ध्यान से देखो इसके अंदर। इज्जत करो, सब्सक्राइब। मेरे को मत बताओ किसकी इज्जत करनी और किसकी नहीं करनी। जाओ तुम, जाओ। बाय। आ रहे हो? तुम एक नंबर झंडू बाम हो, बता तुम्हें। क्या बोले? एक नंबर झंडू बाम। बेबी आ जाओ ना प्लीज, मेरा बेबी आएगा, मेरा बेबी आएगा, बोल रहा है आएगा, बोल रहा है। कोशिश बेबी प्लीज, कोशिश एक आशा प्लीज बेबी। बदतमीज। प्यार तो करता है बहुत, आएगा नहीं आएगा तो मैं आ जाऊंगी, मिलती हूँ अब आपको वहां पे सीधा। बीच में ब्लॉगिंग नहीं करूंगी, ड्राइव करते हुए थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है ना। एंड आई एम बैक विद डीना। डीना से आई। हेलो। यू लुक वेरी वेरी प्रीटी। एंड आई हैव सीन ऑन यू, लव व्हाट यू वेयरिंग। थैंक यू। एंड लुक एट हर, शी कम्स आफ्टर 45 days एंड माय नेल्स आर इंटैक्ट। Look at nothing this. Happened. Nothing happened. Nothing happened. It's just that now it needs a refill. Right place. Yes. So we and this time I don't know, people are complaining that they want some red, they want some different color. So we will go with color and not just white. Okay, done. So in my blog, last vlog, people were complaining, why did you do white? So they don't want white on me. They want some color. So let's go there. I love it. What do you want? I said, I like everything. Whatever Dina gives, I love. We have beautiful colors. We have this beautiful shade. Oh, this is pink, right? Yeah, this is like dark pink, cherry, no cherry. It's very beautiful. 002. This is what one? It's beautiful. Oh, it's nice. Sorry, I was showing middle finger. Right finger. See, this is looking so nice. Dina, you're also no less. Why you had to put it here? I don't know. No problem. Now, we have some nice like this color. Yeah, very nice. This is like all this. Different colors, yeah. Yeah, and we can get this done. This is also nice. And this is beautiful. Chalo, we'll try. So don't do red. Do something colorful. Yeah, beautiful. Okay. You can wear it. Done. Nice. Yeah. No red. And you can nice. Match it with something like that. We'll try 2-3 so shades. Let us, and yeah. Let us do little. Let's first remove this. Yay. So we nails utar gaye hain, as in refills utar gaye hain. Ab lagenge is pe refills. This whole process took us 20 minutes. 20 मिनट लगे और अविनाश का भी कोई फोन नहीं आया कि वो आ रहा है या नहीं आ रहा है। ओके, सो नाउ व्हाट वी हैव डिसाइडेड इज दीज नेल्स एंड वन डिफरेंट नेल। एंड व्हाट आर वी डूइंग विद दिस नेल? वी आर पुटिंग स्टोन्स लाइक दिस, लाइक व्हाट वी हैव ऑन दिस नेल। दिस वन मोर कोट टू बी डन, वन मोर कोट। सो दीना कुछ स्टोन्स निकाल रही है मेरे लिए, सो दैट मेरे नेल कुछ अच्छे लगे। लास्ट टाइम से बिल्कुल डिफरेंट। Different. Yeah, and I really like this fluorescent color.
दिस इज व्हाट इज दिस ब्यूटीफुल नाइस नो एक्चुअली इस लाइट में अलग लग रहा है लेकिन मैं आप लोगों को बाहर जाके दिखाऊंगी इट्स ब्यूटीफुल कलर वेरी ब्यूटीफुल कलर एंड यू कैन वेयर इट I love trying different colors. And अभी अभी जो आए हैं वो कौन है डेढ़ महीने से सैमी के हाथ वैसे के वैसे सैमी डेढ़ महीने के बाद 45 डेज के बाद आ रही हूँ मैं 45 डेज अब तो लोग चिल्लाने लग गए थे मैम अपने नेल्स चेंज कर दो बहुत हो गया नाच गाना सीरियसली यार ब्लू स्काई जिंदाबाद क्या बिंदु कहाँ है प्ले कर रहा है बिंदु दुबई जा रहा है दुबई सी यू दुबई ऑन द 29th we put a statue, dad ka statue at the Dara Studio Chowk in Mohali. जो भी पंजाब में से चंडीगढ़ आएगा वो उस statue को देखेगा रुके एक selfie खींचे हमें भेजे और अभी भी किया ना अभी 19th उनके birthday हाँ हाँ I know I saw Dina पूछते हुए हैं कि मैं बातें कर रही हूँ hand अभी बात करती हूँ मैं कर नहीं पा रही हूँ बिल्कुल भी so finally my nails are done and this is the first time जो मैंने कुछ different कराया every time you know मैं glitter प्लेन और ग्लिटर करती थी इस बार डीना ने स्टोन्स ऐड किए हैं एंड यू विल लव इट यू वांट टू हैव अ लुक यस या तो ये दोनों नेल्स बहुत डिफरेंट किए हैं एंड विद दिस व्हाट इज दिस कलर कॉल्ड 260 वन स्टेप जेल 260 260 It's very know. Hot pink. Hot color. Pink. Oh, you're so cute. The nails nice look though? So nice. Stone work. Which Dina has done. Dina nahi kiya ye. And ye, do you want to explain Dina? Come here na. So we put here hot pink color on Sam's nails. And here to stand out we made one darker shade. And we put beautiful holographic stones design here. And on this hand we made it different because it's in trend now. So ye kuch trend mein hai. Same nahi ho sakta hai. So one is different, thoda zyada stones. Yes. And एक सिर्फ एज पे है थोड़े से स्टोन्स एंड दैट्स इट एंड विद दिस व्हाट इज दैट हॉट पिंक या सो द न्यू ट्रेंड इज आइदर यू डू ऑन द रिंग फिंगर डिफरेंट डिजाइंस और यू डू ऑन योर थंब डिजाइन एंड रेस्ट ऑल द सेम कलर और दिस इज डिफरेंट कलर सो दिस इज द लेटेस्ट ट्रेंड्स इन नेल इंडस्ट्री कम एंड डू ब्लू स्काई नेल्स आई लव यू डीना So ये जब stones add हो जाते हैं ना, it gives that rich feel, rich look. मैं rich नहीं हूँ, but मेरा look इस समय rich है. I'm happy. मैं हर जगह अब हाथ रखूँगी. And you show your happiness like this. Yes, अभी देखाऊँगी. You'll be very happy. कि कुछ तो different किया. Very. So thank you so much, Dina. I'll see you soon. See you. See you. Oh, your doggies come. Where you went? Your baby has come. Hello, baby. Twixy baby, I'll see Twix in 45 days. Fuji Baba. Come here, one kiss. He's damn cute, yeah. See you, Dina. Yes. Oh! He wants to play with me, yeah? One baby. Oi. What do you want? He's happy. Bye Twixie. Bye Dina. My nails are done and I'm super excited. मुझे बहुत अच्छा लगा बहुत ही अच्छे लगे नेल्स पता नहीं मैं आपको बराबर से दिखा नहीं पा रही हूँ बट इसका जो लुक है बहुत ही प्यारा है स्टोन वर्क है पूरा और ऐसा लग रहा है पूरा डायमंड्स लगाए हुए मैंने इस नेल पे सो अभी आई एम गोइंग टू मीट अविनाश सो उसको पिकअप करूंगी उसके फ्रेंड के घर से और कॉफी फटाफट पीऊंगी क्योंकि कॉफी का टाइम हो गया ना फिर लेट नहीं कर सकते नींद नहीं आती है सो मैं क्विकली अविनाश को मिलती हूँ और फिर आपको मिलती हूँ तो फाइनली मैंने कोशिश की और जैसे मैंने कहा कि वादा तो टूट जाता है लेकिन कोशिश हमेशा काम आती है तो मेरी कोशिश हुई एकदम सक्सेसफुल और मैं मिल लिया संभावना से ये मेरे दोस्त के घर पहुंच गई मुझे पिकअप करने मैं मीटिंग करके दोस्त के घर गया तो दोस्त के घर के नीचे जाके मुझे फोन कर रही है और हॉर्न पे हॉर्न बजा रही है और मुझे मेरे दोस्त के साथ टाइम स्पेंड नहीं करने दिया तुमने करना जितना करना था कर लिया और जब से मैं आया हूँ नीचे तब से चिड़चिड़ी हुई हुई है पता नहीं क्यों लग रहा है इसके नेल्स खराब कर दिए हैं मेरे को कॉफी पीनी है तो मैं चिड़चिड़ी होंगी ना अविनाश फिर लेट हो जाता है तो मेरे से कॉफी लेट हो गई फिर मेरे को नींद नहीं आती है तो चाय को समझ में आया मैं चिड़चिड़ी क्यों हो रही थी मेरे को कॉफी ही चाहिए थी मेरा दिमाग खराब हो रहा है मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है सर तो तुमने कोई कुछ भी नहीं पिया वहाँ पे कॉफी टी नहीं पिया इसलिए नहीं पिया क्योंकि तुम्हारे साथ पीऊंगी और मुझे आते वक्त पता लगता है कि तुम ऑलरेडी चाय पी चुके हो तो मैं दोबारा पी लूंगा यार उसमें क्या है मेरे तुम्हारे बिना मैंने कॉफी नहीं पी और मेरे बिना तुमने चाय पी ली बेबी तुमने मेरे बिना नहीं तुम नेल्स करा रही थी इसलिए तुमने कॉफी नहीं पी ठीक है मेरे को डीना ने पूछा था कॉफी के लिए और मुझे इतनी अच्छी लगती है ना उसकी मशीन वाली कॉफी लेकिन मैंने फिर भी नहीं पी तो आप पियेंगे साथ में दोनों और नेल्स बहुत अच्छे कराए इस बार
एक नेल में जो ये वाली उंगली हो तो लग रहा है कि बिंदी है, बिंदी कहते हैं उसको, स्टोन्स कहते हैं, ठीक है ना। गांव में जो औरतें बिंदी लगाती है ना, जिसपे बिंदी पे भी वर्क होता है, वो वाली बिंदी है, यही तारीफ है। बहुत सुंदर नेल्स कराए, बहुत ही बढ़िया। पिंक है और क्या क्या है, जो भी है, ओ पिंक और ब्लैक और उसपे स्टोन्स का काम, क्या बात है। ये नकली तारीफ नहीं चाहिए मुझे, ठीक है ना। अरे नेल्स बहुत ही अच्छे लग रहे हैं भाई, कलर कॉम्बिनेशन कितना अच्छा है। अगर मैं तुम्हें पूछती नहीं ना तो तुम्हें याद भी नहीं होता कि तुम्हें मेरे नेल्स के बारे में कुछ बोलना है, कोई बात करनी है, तुम्हें ये याद तक नहीं रहता। आज तुम्हें अरे नेल्स क्यों करे, अरे ये ना झूठी बातें मेरे सामने मत करो, मैं जानती हूँ तुम्हें बहुत अच्छे नेल्स हुए हैं। और देख लेना यही लोग भी बोलेंगे जब तुम दिखाओगी ना ब्लॉग में, लोग भी यही बोलने वाले हैं। तुम्हारे बोलने से बोलेंगे, लोग मुझे प्यार करते हैं वैसे ही बोलेंगे। अचानक तुम छपरा से कैसे बिलोंग करने लगी, तुम्हारे बोलने से बोलेंगे छपरा गर्ल। चलो हम पहुंच गए कॉफी की जगह पे और अब मैं पिलाऊंगा बेबी को कॉफी गरम गरम, मुझे भूख भी लगी है, खिलाऊंगा। क्या खाना है बताओ, पीनट्स? ये क्या किया, गिर गया। खा रही थी कि तुम फेंक रही थी? अविनाश कॉफी नहीं पी रहा। क्या हुआ, अंदर चला गया जाने से पहले मैं आप लोगों को बोल देती हूँ, बिकॉज मैं जो आप लोगों की कमेंट्स पढ़ रही हूँ और जो मुझे आप लोगों का इंस्टाग्राम पे फीडबैक आ रहा है, स्पेशली मैंने पहले भी जैसे आप लोगों को मेंशन किया था कि मैं इंस्टाग्राम पे अपने आपके मैसेजेस का जवाब देती हूँ, और वहाँ पे जो आपका फीडबैक मुझे मिलता है ना, उसके हिसाब से मुझे ये मालूम पड़ रहा है कि आप लोग, बहुत सारी लड़कियाँ ये चाहती हैं कि मैं अपनी बैग कलेक्शन आपको दिखाऊँ। तो आई प्रॉमिस मैं बहुत जल्दी आप लोगों के लिए बैग्स का एंड परफ्यूम्स का वीडियो ज़रूर बनाऊँगी। तो विद दिस वी एंड दिस व्लॉग, एंड जाने से पहले वही सब ताम झाम करते रहना, टू सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल, लाइक शेयर कॉमेंट, सब्सक्राइब टू यूट्यूब चैनल विच इज संभावना सेठ एंटरटेनमेंट, एंड येस फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एंड मैसेज मी ऑन इंस्टाग्राम जो आपको रिप्लाई चाहिए। कुछ बोलना हो?